हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होने वाला है आप लोगों के लिए जो बहुत कंफ्यूज हैं और बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं, सर कि ट्रैकमैन की जॉब ज्वाइन करके बहुत डीमोटिवेट हो रहा हूँ, क्या मैं रिज़ाइन करके चला जाऊँ, मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो इसी पर आज बात होगी, इसी का मैं आपको एक अल्टीमेट सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, कितने समय तक रुकना चाहिए और फिर आगे बढ़ने के प्रयास लगातार कैसे करने चाहिए। तो देखिए, होगा क्या कि जब स्टार्टिंग में कहीं कहीं पर क्या होता है, किसी किसी जोन में या फिर किसी किसी कुछ कुछ स्टूडेंट्स को ब्रांच लाइन सिंगल लाइन मिल जाती है तो उनको थोड़ा सा काम ठीक ठाक होता है। कुछ जो मेन लाइन में होते हैं, हो सकता है पहले ही दिन से उनको ऐसा काम देखने को मिल जाए जिससे वो घबरा जाए, ठीक। और इसमें तो कोई भी एक दिन का क्या, किसी भी दिन का काम देख लें, हार्ड वर्किंग है और डीमोटिवेट करने लायक है। अगर आप डीमोटिवेट नहीं हो रहे तब समस्या है। अगर किसी को लग रहा है कि नॉर्मल है, मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं रहूँगा, तब दिक्कत है। जो डीमोटिवेट हो रहा है उसके लिए सही है, उसको लगेगा कि मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ, मुझे कुछ अलग करना है, अलग ट्राई करना है और पढ़ते रहना है। तो हार्डली अगर आपको दिन में 2 घंटे भी मिलें, सब कुछ निकालने के बाद, खाने पीने के बाद, जॉब करने के बाद, सोने के बाद, घूमने फिरने के बाद, एंजॉय करने के बाद, अगर आपको 2 घंटे भी मिले तो डेली 2 घंटे का रूटीन बना लीजिए, 2 घंटे पढ़ते रहिए कि जैसे ही आपके जोन में, आपके डिवीज़न में है ना, डिपार्टमेंटल वैकेंसी आएंगी तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। ऐसा नहीं कि आपको एकदम वैकेंसी आती है फिर आपने पेपर दिया और एग्ज़ाम ना क्रैक कर पाए, तो उसके लिए भी तैयार रहें। और इसके साथ साथ कोई स्टेट एग्ज़ाम या फिर जिस एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसमें, उसके लिए तैयारी करते रहें 2-3 घंटे, ठीक है। तो उतने में भी बहुत कुछ कवर हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ पर जॉब ली है, पढ़कर ली होगी, तो तैयारी तो आपकी ऑलमोस्ट होगी, बस आपको आपको रिवीजन करना है थोड़ा थोड़ा, ठीक। तो जुड़े रहिए। वो तो हर दिन आपको डीमोटिवेट फील होगा, ऐसा एक भी दिन नहीं होगा, होना भी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठो कि अगर आपने 2-3 दिन किया उसके बाद आप कुछ दिन के लिए छुट्टी मार दो 1-2 महीने के लिए, है ना, या फिर सोच रहे हो कि रिज़ाइन कर दें, तो उसमें आपको समस्या है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग के डेज में ही अगर आप भाग कर चले गए ना, तो आगे पता नहीं कि आप वापस आ पाओगे या नहीं आ पाओगे और क्या हो जाए फिर आगे। आप सोच रहे हो इतने ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाओ कि आगे के लिए पढ़ ना पाओ, ठीक। तो 1-1.5 साल तो धैर्य बनाकर आपको रुकना चाहिए और इतने में हाथ पैर चलाने हैं, प्रयास करने हैं कि आपका कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। क्योंकि एक बात याद रख लेना, आप इसकी कमियां जो है वो सब जगह उजागर है, लेकिन ऐसी कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसी जॉब नहीं है जिसमें कम फायदे और नुकसान ना हो, है ना। ऑफिस में भी 6-6 बजे तक बैठ के जब आप हार्ड वर्क करते हो कंप्यूटर पर बैठकर, या फिर माथापच्ची होती है ना जो ऑफिस का जो वर्क होता है, तो उसमें भी दिमाग खराब होता है। ऐसा कोई भी काम नहीं है, सब में कहीं ना कहीं सबके नुकसान और फायदे हैं, सब जगह कुछ ना कुछ अच्छा है, कुछ ना कुछ बुरा है। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखकर अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करिए, अपने इमोशंस को, ठीक है, कि मुझे, और प्रैक्टिकली सोचिए, दिमाग लगाइए, दिल से मत सोचिए। क्योंकि अगर आपने अभी अगर ऐसा कर लिया, ठीक, अभी अगर आपने उल्टा सीधा डिसीजन ले लिया तो आप भी उन्हीं बच्चों में शामिल हो जाएंगे जो जल्दबाजी में डिसीजन तो ले लेते हैं लेकिन आगे उनका फ्यूचर सेफ नहीं है और आगे क्या करना है वो भी उनको पता नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा है, आपके अंदर एक्स्ट्रा टैलेंट है या फिर आप एक्स्ट्रा अर्निंग कहीं और से कर सकते हैं, भरोसा है ना, सेल्फ बिलीव है आपके अंदर, तो फिर यहाँ से आप जा सकते हैं, रुकने वाली कोई बात नहीं है। बस वो अल्टरनेटिव जो आपके मन में है वो परमानेंट होना चाहिए और उसमें आपको अपना फ्यूचर दिखना चाहिए, तो आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक। लेकिन याद रखना कि डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना। डीमोटिवेट रोज होते हैं, मैं भी रोज़ डीमोटिवेट होता हूँ, लेकिन जब तक आपके पास कोई मतलब विकल्प ना हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा अलग से करने लायक ना हो तब तक आपको टिकना है और अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करना है। और जिस दिन आप यहाँ से निकलो तो प्रूव करके निकलो तो बेहतर रहेगा। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो बढ़िया लगा तो जितने भी ट्रैकमैन भाई हैं, जिन्होंने भी ग्रुप डी ज्वाइन किया है, उन सबको डीमोटिवेट फील होने वाला है एक दिन, तो इन बातों को ध्यान रखना। वीडियो बढ़िया लगे तो दूसरे लोगों तक शेयर करो। चैनल पर नए व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।